दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। वीडियो के साथ बने रहेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत काम का है और आपको यदि होती है कब्ज और लैट्रिन में समस्या, पेट साफ नहीं होता, ठीक से मल त्याग नहीं होता और बार बार मोशन जाने की इच्छा होती है तो फिर आपको पूरा देखना पड़ेगा सब्सक्राइब करने के बाद और बेल आइकन को हिट करने के बाद, तो बने रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आपसे तीन मेडिसिन के बारे में। यदि आपको कब्ज होती है और आपका मोशन क्लियर नहीं होता, लैट्रिन साफ नहीं हो रहा है, आंतों से लैट्रिन निकल तो गया, बड़ी आंत में चला गया मल, लेकिन होता यह है कि मल द्वार का जो आखिरी भाग रेक्टम जो है, आपकी आंतों का आखिरी भाग मल द्वार का जो रेक्टम कहलाता है, रेक्टम के एरिया में मल क्लियर नहीं होता, जो स्फिंक्टर होते हैं रेक्टम के वो क्लियर नहीं कर पाते या अर्ज नहीं होती, मोशन जाने की इच्छा नहीं हो पाती है और इस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, चाहे मल कड़ा हो रहा हो, चाहे मल पतला हो, चिपचिपापन हो, क्यों ना हो, आपको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो भी या थोड़ी सी भी मोशन होती है तो तकलीफ हो जाती है और ये सिलसिला कई समय से चलता आ रहा है। तो तीन मेडिसिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली मेडिसिन है जो सबसे ज्यादा मैं यूज करता आ रहा हूं और उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये है एक सिरप। सिरप है डिस्कॉल, DYSKOLL। ये पहली बात तो मैं बता दूं, किसी तरह का कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, यदि आप ऐसा समझ रहे हैं तो बिल्कुल इस तरह की समझने की गलती ना करें। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और इस तरह की वीडियोस मैं अक्सर बनाते आ रहा हूं जिसमें प्रैक्टिकली आपको चीजें घर पर ही मिल जाती हैं, तो छोटी छोटी चीजों के लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ये वीडियो देश के सुदूर उन इलाकों में भी देखे जाते हैं जहां पर डॉक्टर्स का अभाव है, तो प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है जिन्हें डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं और ये बहुत सेफ ड्रग है। डिस्कॉल सिरप आपको आपके एरिया में मिल जाएगी, हर जगह पे डॉक्टर अवेलेबल हैं, जहां पर होम्योपैथी डॉक्टर अवेलेबल है, आजकल देश में लगभग सभी जगह होम्योपैथी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आपको उनके पास ये मिल जाएगा। डिस्कॉल सिरप एक ढक्कन सुबह एक ढक्कन शाम आप ले लीजिए, आपको आपकी पुरानी से पुरानी तकलीफ जिसमें आपकी लूज मोशन हो रही है, पतली दस्त हो रही है, अपच की समस्या होती है, कभी कुछ हो रहा है मोशन, कभी कुछ हो रहा है, चेंजेबल मोशन जहां होता है वहां आपको एडल्ट डोसेज जो है वो एक ढक्कन सुबह एक ढक्कन शाम के हैं। और यदि बच्चों में ये समस्या हो तो एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम दे दीजिए, बच्चों में ये तकलीफ खत्म हो जाएगी। दूसरी जो दवाई है मैं अक्सर आपको बताता हूँ वो है नक्स स्वामी का 200। पेट साफ नहीं हो रहा है, दो बूंद आप अपनी जीभ में रात में ले लीजिए, पेट साफ हो जाएगा। बार बार तकलीफ होती है, चाय वाय पीने की आपको आदत है, रात में जागने की आदत आपको है, देर से सोते हैं, काम का बोझ बहुत है, वर्कोहलिक पर्सनालिटी है, स्ट्रेस टेंशन बहुत ज्यादा रहता है, मिर्च मसालेदार खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, नक्सवामी का 200 आपको लेनी है, दो दो बूंद सुबह शाम या दो से तीन बार की मात्रा में। यदि आपकी लैट्रिन कड़ी होती है या आपकी लैट्रिन चिपचिपी होती है, पतली मोशन में भी आपको टाइट मोशन में भी या पतली मोशन जो भी तरह की मोशन हो आपको ताकत बहुत लगाना पड़ता है, ये है नक्सवामिका का सिम्टम। और अगली मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम, क्योंकि मैं बता दूं वीडियो बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा वीडियो में बनाता नहीं, तो छोटे वीडियो वाली सीरीज का वीडियो। लाइकोपोडियम 200 तब यूज किया जाता है जब आपने बेसन वाली चीजें आप खा रहे हैं, आपका पेट साफ नहीं हो रहा, आपका लीवर थोड़ा वीक है और मोशन में चिपचिपापन है, लैट्रिन इतनी खराब हो रही है कि ये आपके सीट में चिपकने लगी है, चिपचिपापन सा है, कुछ खाया और फिर गया, आपने खाना खाया फिर आपको मोशन हो रही है, दिन में तीन से चार बार मोशन जाना पड़ रहा है और सुबह दो तीन बार जाना पड़ता है, तब जाके पेट साफ होता है, थोड़ा अनइजीनेस लगता है, पेट फूला फूला लगता है, गैस बनती है, खट्टी डगर आती है और खट्टा पानी सा मुंह में आता है, एज इफ यहाँ पर कुछ भर गया है, फंसा फंसा सा लगता है। यदि कुछ फंसा फंसा सा लगता है, ऐसा आपको महसूस होता है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कार्ड दिया हुआ, इस पे जाइए, वहां पे एक आपको वीडियो मिल जाएगा, लिंक में जाइएगा, वो ओपन करेंगे तो आपको कार्ड पे आपको पता चल जाएगा किस वजह से गले में फंसा फंसा लगता है, उसका वीडियो हमने दिया है। तो आपको मैंने तीन बातें बताई, तीन दवाइयां बताई, पहला तो डिस्कॉल बताया, दूसरा नक्सवामिका और तीसरा लाइकोपोडियम। तीनों मेडिसिन स्टार्ट कर लीजिए, या तो केवल एक से काम चल जाएगा, या तो नक्सवामी का ले लीजिए या लाइकोपोडियम ले लीजिए, कंडीशन मैंने बता दी है, और या तो केवल डिस्कॉल ले लीजिए, सारे कॉल जो मिस कॉल होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। डिस्कॉल
इज फॉर मिस कॉल। तो जो बार बार मिस कॉल हो रहा है ना, वो मिस कॉल जैसे नहीं लगेगा, वो पूरी तरह कॉल कनेक्ट हो जाएगा, मिस कॉल नहीं होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, लाइक कर लेना और बेल आइकन को हिट करना भैया, मेरा नुकसान क्यों करा रहे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत।